हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ इज दिस। यानी कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ, तो मैं 6 बजे उठी हूँ और मॉर्निंग के सारे मेरे काम खत्म हो चुके हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ, चाय भी एक तरफ चढ़ा दी हूँ, चाय भी मेरे बनते रहेंगे। और रात को मैं सारे किचन क्लीन करके सोई थी, जिसकी वजह से मुझे आज प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो कभी कभी ही ऐसा वक्त होता है जब मैं लेजी फील करने लगती हूँ, मन नहीं होता है खाना खाने के बाद, मतलब किचन क्लीन करने का, तो मैं छोड़ देती हूँ, या बर्तन ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा टाइम हो चुका है तो मतलब छोड़ देती हूँ, मैं मॉर्निंग में करती हूँ। नहीं तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही किचन क्लीन कर दूँ, सारे बर्तन में धो दूँ। तो रात को मेरे बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे धोने के लिए, थोड़े बहुत ही थे, और अभी मैं बर्तन भी लगा रही हूँ। तो रात को मैं किचन क्लीन करती थी तो अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और अभी मैं आई हूँ, जो भी मॉर्निंग के काम ख़त्म करने थे वो मैं करके और जस्ट मैं चाय चढ़ा रही हूँ। और अभी मतलब टाइम ज़्यादा नहीं हो रहे थे तो पानी भी नहीं आया है, तो पानी जैसे कि 6:45 में आता है तो प्रॉब्लम नहीं, मतलब उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। और अभी मैं आराम से मतलब चाय बना रही हूँ। तो हस्बैंड को आज ऑफ़िस जल्दी जाना है और उनको 7 बजे तक रेडी होना था और 7 बजे घर से वो निकल जाएंगे। तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी है। वैसे भी रात में मैं चिकन करी बनाई थी तो चिकन मेरे बचे हुए हैं, और मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी राइस बनाती हूँ। तो देखती हूँ अभी मुझे क्या बनाना है, मैं खुद ही डिसाइड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे जो भी बनाना होगा जल्दी बनाना होगा, और क्योंकि टाइम कैसे मतलब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए मैं ये सारे काम ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पानी भी आ गया है, सिटी बजा रहा था तो अभी मुझे पानी भी भरना है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग से चाय पीकर पानी भरने के बाद। तो गाइस, अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और अभी 7:10 हो रहा है। इतना जल्दी उनको निकलना था इसलिए मैं जल्दी उठी थी, 6 बजे उठी थी। और आप देखें ना, 6 बजे तक अंधेरा था, तो यहाँ 6 बजे तक अंधेरा रहता है और 6:30 के बाद उजाला होना स्टार्ट होता है। तो अभी मेरी दीशानी भी अपने पापा को बाय बाय करने के लिए उठ गई और अभी मुझे काम करना है। तो मुझे बनाना नहीं पड़ा क्योंकि रात का ना चिकन करी था, रात को मैं चिकन बनाई थी और मैं राइस बनाई हूँ। तो मैं सोची कि मेरे हस्बैंड खा कर जाएंगे, लेकिन तो खा कर नहीं गए, बोले कि मैं उधर बाहर ब्रेकफास्ट कर लूँगी और वो निकल गए, क्योंकि लेट भी हो रहा था, उनको 7:30 की ट्रेन पकड़नी थी। तो अभी मैं करूंगी बेड क्लीनिंग, उसके बाद घर की जो क्लीनिंग होती है फर्श क्लीनिंग मैं करूंगी, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ नहा लेती हूँ क्योंकि अभी तक पानी आ रहा है। तो पानी तो मैं भर चुकी हूँ और अभी मैं सोच रही हूँ जितने भी पानी वाले काम है ना सारे मैं कर लेती हूँ, जो भी थोड़े बहुत कपड़े हैं धोने का वो धो लेती हूँ, और उसके बाद फर्श क्लीनिंग करना है तो वो मैं कर लेती हूँ। पहले तो मैं बेड क्लीन करूँगी, तो ये सब काम करने के बाद मैं जस्ट नहा लेती हूँ, क्योंकि अभी 7:10 हो चुके हैं तो 8 बजे तक पानी रहता है तो मेरा काम सारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं काम खत्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पहले तो मुझे बेड क्लीन करना है। Thank you.
गाइस, अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और दिशा ने भी मेरी नहा ली है और बाकी मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं और अभी मैं कुछ भी अप्लाई नहीं की हूँ अपने चेहरे पे। तो आप लोगों ने पूछ रहे थे ना कि आप एवरीडे मेकअप कैसे करती हो, तो वही मैं सोची कि चलो मैं अभी मेकअप करने ही जा रही हूँ तो मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि मैं एवरीडे मेकअप क्या करती हूँ। तो मैं ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं करती अपने चेहरे पे, बस मैं एक क्रीम लगाती हूँ, उसके बाद पाउडर लगाती हूँ, व्हाइट टोन पाउडर लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ और मैं लिप कलर लगाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, कभी कभी मन हुआ तो बिंदी भी लगा लेती हूँ, बस यही रहता है मेरा मेकअप। तो फिर भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये है लेक्मी का क्रीम, यह है लेक्मी एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस स्किन लाइटनिंग लाइट क्रीम। इसमें SPF 20 PA++ दिया हुआ है। तो आपको अगर आप ये क्रीम लगाते हो ना, तो आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्रीम मेरा फेवरेट हो चुका है, ऑल टाइम फेवरेट हो चुका है। मैं लगभग इसे 6-7 मंथ से अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आपको। अगर आप ये क्रीम अप्लाई करते हो अपने चेहरे पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप क्रीम लगाए हो, एकदम नेचुरल स्किन लगता है, जैसे कि नेचुरल जैसे रहता है स्किन वैसा ही लगता है। और कोई ऐसा क्रीम होता है दूसरा कोई क्रीम, मैं पहले मैं पॉन्ड्स का क्रीम लगाती थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लगाने के बाद ऐसा व्हाइट व्हाइट लगता था, और ये लगाने के बाद बिल्कुल भी व्हाइट व्हाइट नहीं लगता, एकदम नेचुरल स्किन लगता है, बहुत अच्छे से स्किन में सेट हो जाता है। तो चलिए मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ और देखिए खोलने के बाद कुछ इस तरह से है। इसका हल्का सा मतलब कलर अलग है, थोड़ा सा पिंक कलर में है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। ये क्रीम तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट बन चुका है और बहुत ही अच्छा लगता है ये क्रीम मुझे। और देख रहे हो कि खत्म हो चुका है, थोड़ा सा है मतलब अभी भी बहुत टाइम चलेगा। ऑल स्किन टाइप के लिए है, कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है, चाहे नॉर्मल स्किन हो, चाहे मतलब जिनका स्किन ऑयली हो या फिर ड्राई स्किन वाले हो। ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा क्योंकि लगाने के बाद आप देख रहे हो थोड़ा सा ऑयली ऑयली दिख रहा है, मतलब चेहरे पे बहुत ही अच्छा ग्लो ला देता है ये क्रीम। दिशु और अभी देखिए मेरे चेहरे पे पूरे अच्छे से सेट हो चुका है और आपको लग रहा है कि मैं क्रीम लगाई हूँ, बहुत ही अच्छा नेचुरल स्किन लग रहा है ना। तो ये क्रीम मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मेरा तो फेवरेट है। अगर आप लोग को भी अगर पसंद आए तो जरूर बोलना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। दो बेटा और उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ, यहाँ पे है व्हाइट टोन पाउडर, तो मैं व्हाइट टोन पाउडर अप्लाई करती हूँ। मैं रेगुलर टाइम में कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, मैं व्हाइट टोन पाउडर ही लगाती हूँ या तो पॉन्ड्स का पाउडर आता है वो मैं लगा लेती हूँ। तो व्हाइट टोन मेरे पास नहीं रहता है तो मैं पॉन्ड्स का लगाती हूँ। अप्लाई करूंगी लिप कलर, तो ये है परसोनी का लिप कलर, आपको उल्टा दिख रहा होगा ना, तो ये है परसोनी का लिप कलर और आप देख रहे हो तो इसकी पैकेजिंग भी काफी अच्छी है। और ये मैं यहां से नहीं ली थी, मैं मायके गई थी वहां से लेकर आई थी, तो अभी मैं लिप कलर लगा लूंगी। और मुझे ना रेड कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं रेड कलर ही लगाऊंगी। कैमरे में देखकर मैं लगाई हूँ, अच्छे से लग गया ना।
उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ काजल, तो काजल मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। अगर मैं काजल नहीं लगाती हूँ तो थोड़ा सा मेरा चेहरा ना सोना सोना लगता है। अगर मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करूँ, अगर काजल लगा लेती हूँ तो मेरा चेहरा एकदम खिल उठता है। ऐसा होता है ना, हर लोगों का कोई ना कोई एक चीज होता होगा जो अप्लाई करने के बाद चेहरा अच्छा दिखता है, तो मेरा तो है काजल, क्योंकि मैं बचपन से हमेशा काजल अप्लाई करती हूँ। तो ये है वाटरप्रूफ काजल, है लॉन्ग लास्टिंग है, और ये रिमेल लंदन का है। तो इसका भी अगर लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। पहले मुझे लिंक मिलेगा तब, क्योंकि मैं अमेजोन से खरीदी थी। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी सिंदूर। और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी बिंदी। तो इधर काफी टाइम से मैं बिंदी अप्लाई कर रही हूँ, और ये बिंदी मैं लेकर आई थी मेला से, जब यहाँ मतलब मेला लगा हुआ था बदलापुर में, आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो में, मतलब डाली हुई थी, शेयर की थी। तो वहां से मैं ये बिंदी खरीद के लाई थी, और ये बिंदी ना काफी अच्छा लगा मुझे। इसमें ना ये मैरून कलर का है, और जो इसका आउटर लाइन बना हुआ है ना वो ब्लैक कलर का है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये बिंदी। और देखो कितना खत्म हो चुका है, पूरा पैकेट था। तो इस टाइप का बिंदी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं पहले बिंदी लगाती ही नहीं थी, बट एक मेरे सब्सक्राइबर बोले थे कि हाँ आप बिंदी लगाओ बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ चलो लगाती हूँ। तो कभी कभी मैं लगाती भी हूँ, कभी नहीं भी लगाती हूँ। तो मैं घर पे रहती हूँ या कुछ ऐसा ड्रेस पहनती हूँ तो लगा लेती हूँ, और कभी बाहर जाती हूँ जीन्स वगैरह पहन के तो मैं नहीं लगाती हूँ। तो देखिए मेरी बिंदी लग गई है, और मेरा एवरीडे मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा एवरीडे मेकअप लुक? एकदम सिंपल है ना, और शायद ऐसे ही आप लोग भी करते होंगे ना, क्योंकि एवरीडे में इतना ज्यादा मेकअप कौन करता है। और मैं तो एवरीडे क्या, मैं शादी पार्टी बाहर भी जाती हूँ तो मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ और चली जाती हूँ। मुझे सच में ज्यादा मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। किस लिए नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है मेकअप करने में, और ये मेकअप 5 मिनट में आपका कम्प्लीट हो जाता है। तो मैं आप लोग से बातें करते करते लगाई हूँ, तो तब भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेकिन अगर मैं ऐसे अप्लाई करती तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में मेरा ये मेकअप कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे बहुत पसंद है सिंपल सा मेकअप करना, और एवरीडे मतलब ये फाउंडेशन इतने सारे चीजें अप्लाई करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना चाहिए रेगुलर टाइम में। दिशानी मेरा क्रीम बर्बाद कर रही है, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मुझे ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, और आप लोग बताना कि मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है। और मैं बाल भी बनाती हूँ ना बहुत सिंपल सा, बस आप लोग तो मेरे ब्लॉग में देखते होंगे ना, मैं बाहर भी जाती हूँ तो इसी तरह से बाल बना लेती हूँ। पता नहीं मुझे मतलब ये सब करना ना वो बहुत ज्यादा झंझट लगता है, तो मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा मेरा एवरीडे मेकअप लुक, और आप लोगों ने ये भी बोला था कि ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो तो नहीं लेकिन उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। ऐसा नहीं कि मुझे मेकअप करने नहीं आता है, मेकअप करने आता है, बट इतना भी नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा आता है, नॉर्मल मेकअप करने आता है, बट जितना भी आता है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, और ब्राइडल मेकअप लुक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से एक दो फाउंडेशन है मेरे पास लेकिन मैं अप्लाई नहीं करती हूँ। तो गाइस चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे अभी ब्रेकफास्ट बनाना है और अभी मुझे पूजा भी करना है, तो मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। पता नहीं मैं क्या बनाऊंगी, क्या खाऊंगी। तो चावल तो है मेरे पास, देखती हूँ, नहीं होगा तो मैं चावल फ्राई करके खा लेती हूँ। दोपहर के टाइम में मैं सब्जी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, जो भी बनाना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। अभी मैं बनाने जा रही हूँ शेजवान फ्राई राइस। शेजवान फ्राई राइस बहुत जल्दी बन जाता है, तो मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल डाला है, रिफाइन ऑयल डाला है। उस रिफाइन ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैंने
ग्रीन चिली डाला है बारीक कटा हुआ, उसके बाद अनियन डाला है बारीक कटा हुआ, और उसके बाद मैं इसे हाई फ्लेम पे ही भूनूंगी। उसके बाद इसमें मैंने डाला है ग्रीन अनियन, तो ग्रीन अनियन को भी मैंने बहुत बारीक काट लिया है। और मेरे पास ज़्यादा सब्जी नहीं था इसलिए मैं इसमें कोई सब्जी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो अगर आपके पास गाजर हो, शिमला मिर्च हो या फिर बीन्स हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास सब्जी नहीं था, वैसे भी मेरे पास ना ग्रीन अनियन था, ग्रीन अनियन का फ्लेवर ना फ्राइड राइस में बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं हाई फ्लेम पे ही भूनूंगी, उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी सेजवन चटनी। तो यहाँ पे मैंने सेजवन चटनी 2 चम्मच मैंने लिया है, 2 बड़ा चम्मच मैंने सेजवन चटनी लिया है। तो आप राइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, राइस आपके पास कितना है उसके हिसाब से आप सेजवन चटनी ले। और इसे मैं भून लूँगी थोड़े से, और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी चावल। तो ये फ्राइड राइस बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है और ये झटपट बन जाता है। तो मुझे बहुत जल्दी भूख लग गया था, और पता नहीं मैं ब्रश कर लेती हूँ उसके बाद मुझे भूख लग जाती है, तो इसलिए मैं सोची मैं क्या बनाऊँ। अगर नॉर्मल मैं फ्राई करती ना आलू और मटर वाले जो मैं फ्राई राइस बनाती हूँ तो उसमें टाइम लगते हैं, आलू और मटर को पकाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सेजवन फ्राई राइस बना लेती हूँ। तो मैंने ये बना लिया है। चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी नमक। तो नमक मैं स्वाद के अनुसार डालूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च। तो काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्पाइसी यानी थोड़ा तीखा रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, तीखा खाना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा सा मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर मतलब 1 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीन अनियन भी ऐड कर दिया है ऊपर से, और 1 मिनट तक मैं इसे भून लूँगी हाई फ्लेम पे चलाते हुए, ताकि इसमें फ्राइड राइस का जो फ्लेवर हो ना वो आ जाए। और फ्राइड राइस कभी भी आप बनाते हो ना तो एकदम हाई फ्लेम पे बनाना चाहिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और एक सब्सक्राइबर ना मुझे बोल रहे थे कि मतलब कढ़ाई के बारे में बोल रहे थे कि आपके पास ये लोहा का कढ़ाई है क्या, तो इस कढ़ाई के बारे में नहीं बोल रहे थे। कल का जो ब्लॉग आपने देखा उसमें मैंने दाल बनाई थी, तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा मतलब सब्जियाँ बनाती हूँ, चिकन भी बनाती हूँ उसी कढ़ाई में। तो मेरे पास 4 से 5 कढ़ाई है, तो मुझे उसमें बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये सबसे छोटा कढ़ाई है। और उसके बाद इसी साइज़ का मेरे पास एक और कढ़ाई है जो लोहा का है, जिसमें तलने के लिए कोई चीज़ आप बना सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारे कढ़ाई है, लेकिन ज़्यादा मुझे उसमें बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि जो कढ़ाई पुराना हो जाता है ना तो उसमें आप बनाते हो ना तो कोई भी सब्जी बनाते हो तो चिपकता नहीं है, तो इसलिए मैं उसी कढ़ाई में ज़्यादा बनाती हूँ। पता नहीं उनको क्या मतलब लगा, किस लिए बोले, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो मेरे पास कढ़ाई बहुत सारे हैं, चाहे तो मैं और भी कढ़ाई खरीद सकती हूँ, लेकिन क्या ज़रूरत है, 2 ही लोग हैं हम लोग। तो देखिए मेरे फ्राइड राइस बनके रेडी हो चुके हैं। तो मेरी यहाँ फ्राइड राइस बनके रेडी हो चुका है सेजवन फ्राइड राइस, और अभी मैं जा रही हूँ खाने। और टाइम कितना हो रहा है मैं बताऊँ, 9 बज चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, इतना जल्दी मैं आज ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। कितना अच्छा रहेगा ना अगर मैं रोज इतना जल्दी उठूंगी तो। और घर में कोई भी सब्जी नहीं था सच में, और लेकिन हाँ जो हरा प्याज रहता है ना वो था मेरे पास, उससे ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्राइड राइस में। तो झटपट बनने वाला ये फ्राइड राइस है सेजवन फ्राइड राइस, बहुत ही अच्छा लगता है, यम्मी भी लगता है खाने में, मुझे तो कोई भी फ्राइड राइस अच्छा लगता है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं टीवी चालू की हूँ, तो टीवी देखते हुए मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रही है और दिशानी मेरी रो रही है, हद से ज्यादा रो रही है। दिशानी को मैं क्या दूंगी, दिशानी मेरी क्या खाएगी? पहले नहीं, एक बार हाय गाइस बोलो, एक बार हाय गाइस बोलो फिर देंगे। दिशानी मेरी बिंदी लगाई है, मम्मा अगर बिंदी लगाएगी तो दिशानी ना लगाए हो ही नहीं सकता। दिशानी पहले हाय गाइस बोलो, बोलो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चॉकलेट के लिए देख रहे हो हाय गाइस भी बोल दी है, इतना पसंद है इसको चॉकलेट। रो रही थी, चॉकलेट दिए तो मान गई। मम्मा को भी खिलाएगी? खोलो, खुद से खोल के खाओ भाई, मैं क्यों खिलाने जाऊँ? नहीं, तुम खुद से खोल कर खाओ, मैं नहीं खिलाने वाली। खुद से खाएगी, खोल
बहुत ठंडा है ठंडा है। निशानी जब आइसक्रीम खाती है ना बोलती मम्मा ठंडा ठंडा आइसक्रीम है ठंडा ठंडा, चॉकलेट भी ठंडा ठंडा है, चॉकलेट भी ठंडा ठंडा है। खोलो 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 खोलो, नहीं नहीं खोलेगा मम्मा, पूरा खाएगी तुम। एक मिनट रुको, मामा को खिलाओ, एक बार मामा को खिलाओ। नहीं खिलाने वाली, चॉकलेट इतना पसंद है और उसके बाद मैं बोलूं तो आइसक्रीम इसको इतना ज्यादा पसंद है, अगर मैं बोलूंगी तो नहीं खिलाती है। मूड जब इसका अच्छा रहता है ना तब खिलाती है। रिशु खिलाएगी मामा को? ठीक है बाय कट्टी कट्टी, देख रहे हो कैसे मुझसे कट्टी ले रही है, चॉकलेट नहीं खिलाने के लिए कट्टी ले रही है। जाओ जाओ, नहीं खाना है तुम्हारा चॉकलेट नहीं खाना है। मम्मा के पास तो ऑलरेडी इतने सारे चॉकलेट है, मम्मा के पास बहुत सारे चॉकलेट है, मैं जा रही हूँ खाने। जब ऐसा करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसको चिढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है सच में। और हाँ गाइज, अभी मैं जा रही हूँ, अभी मेरे कपड़े ना कल का सूखा नहीं है, मैं थोड़ा लेट इसको सूखने के लिए डाली थी, शायद सूख गया है, कोई कोई कपड़ा सूख गया है, कोई कोई नहीं सूखा है, थोड़े बहुत ये नहीं सूखा है, ये सब सूख गया है। जो सूख गए उसे मैं उतार लेती हूँ, और मेरे बाथरूम में ना कपड़े धो के रखे हुए है तभी मैं इसे सूखने के लिए भी डाल दूंगी। खाओ, देखो खुद से आई खिलाने मुझे, कट्टी ले ही नहीं सकती है, कट्टी ले लेती है इसको बर्दाश्त ही नहीं होता है। पहले खिलाओ, इधर से खिलाओ, नहीं खाना तुम्हारा चॉकलेट, नहीं खाना तुम्हारा चॉकलेट। तूने कट्टी लिया ना मम्मा से? मम्मा से कट्टी कैसे खा रही थी सनी? ठंडे ठंडे ठंडा ठंडा बाय 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 कट्टी। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और दो दिन से मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मेरी तबीयत खराब थी और मैं डॉक्टर के पास कल भी गई थी, तो डॉक्टर ने दवा दिया, अच्छा फील हो रहा है, मैं दवा खाई हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और आज अभी मेरे फेस से आप पहचान सकते हैं कि मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस वीडियो को मुझे अभी एडिट करके और शाम तक रेडी करना पड़ेगा डालने के लिए। तो आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार है ना, थर्सडे है शायद, आज आ गया, तो आज है थर्सडे और आज ये वीडियो जाएगा शाम को। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, पास में जो बेल आइकन बटन होता है उसे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वो वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। क्या हुआ? चलिए बाय 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 बोलो दिशानी, दिशानी का बाय बाय अगर सुनेंगे ना तो कान पक जाएगा।